जोरदार ताली बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन के इस खास पेशकश में। और आप इतने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करते हुए देख रहे हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इस साइड दिखाया जाए। सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से एक मुहिम है मिशन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए विश्व भर में अनेकों प्रकार के संस्थाएं और अनेकों प्रकार से व्यवस्थाएं, अनेकों प्रकार से पढ़ाई की शैली ये आपने देखी होगी। मगर एक एनजीओ सेवियर फाउंडेशन के नाम पर उभर करके आते हैं और संगम बिहार जैसे अनधिकृत बस्ती में यहाँ पर मिशन एजुकेशन को मुहिम बना करके मैं आगे आता जाऊंगा। थोड़ा सा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर अनेकों बच्चे ऑलरेडी 200 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस कड़ी में 5000 बच्चों को एजुकेशन देने के लिए आज प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं सेवियर फाउंडेशन। और सेवियर फाउंडेशन के संस्थापक साहब जो अभिषेक सिंह जी हैं, इनके टीम से और भी सीनियर मेंबर मौजूद हैं। मैं सर से बात करा करके डिटेल हम आप लोगों से बात करके पता भी कराएंगे कि किस प्रकार से इस एजुकेशन को किया जा रहा है। सर आइए थोड़ा सा आगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहेंगे किस प्रकार से ये कार्यक्रम को देख रहे हैं? सबसे पहले आपका वेलकम, और जो भी दर्शक हैं मैं उनसे नमन करता हूं। और ये जो एजुकेशन पे मेरा बहुत पहले से इच्छा थी, लेकिन मेरी भी पर्सनल कुछ लायबिलिटी थी, अब मैं उसको फुलफिल कर चुका हूं। अब पूरी तरह से मैं खास करके उन बच्चों को टारगेट में ले रहा हूं जिनके अंदर पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, और जो पैसे वाले हैं या जागरूक पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कि न गार्जियन जागरूक हैं न बच्चे जागरूक हैं, उनको अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ABCD भी नहीं आता था, लेकिन हम अभी 2-3 हफ्ते हुआ ऑलमोस्ट बच्चों को लिखने तो आ ही गया है, और इसके बाद तो वो रिविजन कर रहे हैं। तो ये चीज हमारा जो अभिषेक जी है इस संस्था के मेन संस्थापक है, उनके सहयोग से और हम भी इस संस्था के संरक्षक हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम लोग कम से कम पूरे संगम बिहार को, पूरे संगम बिहार के हर ब्लॉक में, ये धीरे धीरे हमारा एक प्लानिंग है। जैसे यहाँ पे 2 टीचर सेट हो गए, फिर हम तुरंत दूसरी ब्रांच ओपन करेंगे, वहाँ का गाइडेंस देखेंगे, वहाँ भी टीचर को सेट करके फिर दूसरी ब्रांच। हमारा संगम बिहार, हमारा 2022 तक पूरे संगम बिहार में हर ब्लॉक में हमारा एजुकेशन सेंटर होगा, सेवियर फाउंडेशन का होगा। और इसके साथ सिर्फ एजुकेशन नहीं, हम लोग जो गरीब है उनको खाने की व्यवस्था, हाँ जो मेडिकली प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से एक जो शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तीनों चीज हम लोग पूरी तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सफाई का भी अभियान जो भी हमसे हो रहा है पर्यावरण के विषय में, हम लोग अब कटिबद्ध है और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग ये नहीं कि एनजीओ के नाम पे सिर्फ वाह वाह ही लूटना, आप देख ही रहे हो ये सेंटर बिल्कुल अंदर है, यहाँ से एक भी पब्लिक नहीं देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हम लोगों को ये नहीं, दिखावा नहीं करना है, जो हमारे मन में संतुष्टि होती है वो ये है कि इनको वास्तव में पढ़ाया जाए। थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं, रिपोर्ट को आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, देख सकते हैं ये यंग लड़कियां हैं जो कि इनको टीचिंग के क्रम में इनको पढ़ाते हैं, और ये सभी बच्चों को थोड़ा सा आगे जा करके दिखाएं। आप ये देख सकते हैं, ये गांधी कैंप का एरिया है जो कि देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत बत्रा DDA पार्क के बिल्कुल बैक साइड में है ये गांधी कैंप। और ये गांधी कैंप में इन बच्चों को शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य, इन तीनों चीज को दुरुस्त करने के लिए सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर एक मुहिम है। और आज की डेट की बात करें, 200 बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और इस पढ़ाई को आने वाले दिनों में, इस पढ़ाई की कड़ी को आने वाले दिनों में शिक्षा, संस्कार और एक मिशन को लेके, एक मुहिम को लेके अभिषेक सिंह और सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में हमारे चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना हम देते हैं कि इसी मुहिम को आने वाले दिनों में बढ़ चढ़ करके आगे आप लोग भी आइए, सेवियर फाउंडेशन को मदद भी कीजिए, और सेवियर फाउंडेशन को भी हमारे तरफ से ग्रेट लक है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार से समाज में इसी प्रकार के वर्गों को, जिस वर्ग में पढ़ाई लिखाई की तो दूर की बात है,
दो रोटी तक भी यहाँ पर कई बार संघर्ष करना पड़ता है। तो पढ़ाई से पढ़ाई में जो व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे ना के बराबर है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले व्यक्ति हैं हमारे अभिषेक सिंह जी से भी दो बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। सर इतनी बड़ी मुहिम को लेके जा रहे हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं क्योंकि इतनी बड़ी मुहिम धरातल पर लेके आना, सोचना, क्या कहेंगे कितना चैलेंजेस रहा है? रमेश जी चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा से बड़ी क्रांति कुछ नहीं हो सकती है। मुझे आज बहुत इनके इन बच्चों के बीच में आके मुझे आज बड़ा ही गर्व की अनुभूति हो रही है क्योंकि इन बच्चों में से अगर एक भी आईएएस निकलता है, एक भी आईपीएस निकलता है, ये हमारी संस्था की जीत होगी, ये हमारी सोच की जीत होगी। और इसी के तहत मैं अपने संरक्षक हमारे गार्जियन स्वरूप पटेल जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे जगह पे लोग इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते हैं। सबको चाहिए कि बढ़िया सा फ्लैट के अंदर, बढ़िया सा क्लासरूम के अंदर में आके शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाए और चीजें करें, लेकिन पटेल जी ने, क्योंकि यहाँ के बच्चे कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते हैं, हालांकि मेरी संस्था के पास वी हैव ऑल द थिंग कि हम इनके लिए प्रॉपर शेल्टर के भी अरेंज कर सकते हैं, बट ये बच्चे वहां पे जा नहीं सकते थे। इसी क्रम में पटेल जी ने इनिशिएटिव लिया, इनके पेरेंट्स से बात किया, इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन करवाया और अभी तक गांधी कैंप में 49 बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया इस कैंप के बच्चों को। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की जो बात होती है, मुझे मैं सरप्राइज था जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो ये तीन चार जो लड़कियां हैं जी, आप बिलीव नहीं करोगे इनके अंदर जो डेडिकेशन देखिए मैंने, ये रेगुलरली, क्योंकि अगर बाहर से आया हुआ इंसान इन बच्चों को कभी हैंडल नहीं कर सकता है, ये इनके बीच की है, ये इनकी इनकी बड़ी बहन है, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सर आप हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मैं इन बच्चों को थोड़ी सपोर्ट करूंगी और पढ़ाने में इनकी इनको आगे लेके जाऊंगी। तो मैं इन बहनों का हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूँ कि इनकी सोच को, कि ऐसी सोच अभी भी इस दुनिया में है। थैंक यू सो मच। बाकी आप इनसे भी इन लोगों से भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? पढ़ाते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, और वो जो जिस बच्चे को आराम भी नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आते, हम उन बच्चे को संभाल भी लेते क्योंकि ये हमारे बीच रहते हैं। हमें बताइए इनका बिहेवियर क्या है और ये कैसे मस्ती करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें संभाल लेते हैं। खुशी है इस काम को करते? हाँ, बहुत खुशी है। इनके साथ साथ हम भी यही सीख रहे हैं कि आगे चल के हमें यही शिक्षा मिल रही है कि आगे चल के हम कुछ बनना भी चाहते हैं, तो इन्हें देखकर संभाल भी सकते हैं ऐसे बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप बहुत सारे धन्यवाद के पात्र हैं, ये पूरे सेवियर टीम की ये देख सकते हैं। जोरदार ताली बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वंदे मातरम का नारा और भारत माता का जय जयकार जब ही हो पाएगा जब आप शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेंगे और देश को मजबूत करेंगे। पहले आपको खुद मजबूत रहिए, और मजबूती देने के लिए सेवियर फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस प्रकार की मुहिम को लेकर चल रहे हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं जी, आने वाले दिनों में 5000 की एक जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि 5000 संख्या में बच्चों को रजिस्टर करा करके उनको पढ़ाई और शिक्षा, संस्कार हर तरह से दुरुस्त करेंगे। इसीलिए इस शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।